हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ESI यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिल के सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2019 FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है। FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? ये दिया गया है लाल रेमसी यामी को। ठीक है, ये इंडियन हॉकी प्लेयर है। ठीक है, इनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है? बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है, आगामी ओलंपिक खेल 2021 की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? आगामी ओलंपिक खेल 2021, 2020 में जो होने वाला था, अब वह ओलंपिक 2021 में होगा, और इसका मेजबान कौन है? तो कौन है इसका मेजबान, जल्दी बताओ। इसका मेजबान है टोक्यो। कौन है? टोक्यो है आने वाले ओलंपिक खेल का मेजबान। अगला क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यूनानी दिवस हर वर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है किस देश में? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल किस जगह पे यानी किस देश में स्थित है? यह चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। ठीक है, और ये जो पुल है इसको मकाओ ब्रिज के नाम से जाना जाता है। किस ब्रिज से? मकाओ ब्रिज के नाम से। ठीक है, ये हांगकांग से लेकर जोहारी तक है। हांगकांग से लेकर जोहारी तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर करना। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को यानी बैंक RBI को ऋण देती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। ठीक है, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? हरि प्रसाद चौरसिया तो ये बांसुरी के वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, आरके लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या है? आरके लक्ष्मण क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। तो ये एक कार्टूनिस्ट थे। अब बहुत सारे बच्चे इसमें लेखक मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है, आरके लक्ष्मण का बुक पढ़ा हुआ है उन्होंने बहुत सारा। तो उन्होंने मैक्सिमम जो बुक लिखा है वो कॉमिक बुक है। ठीक है, आपको बुक का बुक के बारे में डिटेल नहीं पता होता है, इस कारण से आप गलती कर बैठते हो। ठीक है, तो आरके लक्ष्मण जो थे ये थे कार्टूनिस्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? यमुना नदी के स्थित कौन सा शहर नहीं है यमुना नदी के किनारे? यह है हरिद्वार। हरिद्वार जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा है, आप सभी को पता है। ठीक है, उत्तराखंड में यह जगह है और यह यमुना के किनारे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल अधिनियम 2020 को अपनी मंजूरी दी है? भूजल अधिनियम 2020 इसकी मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? यह है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह महानदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था? तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है? अच्छा,
कौन सा राज्य, आपको इन चारों में से बताना है कौन सा राज्य जहां पे बीजेपी का शासन नहीं है, कौन सा राज्य है वो राज्य इसमें से राजस्थान। ठीक है, रेस्ट जो भी है, जैसे बीजेपी अभी टोटल 12 राज्यों में शासन कर रही है, उसमें से आपका कौन कौन सा राज्य आता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पहला क्या है, पहला अगर मैं बोलूँ तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है असम, यहाँ पे भी बीजेपी का शासन है, इसके बाद है आपका गुजरात, ठीक है, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है कर्नाटक, उसके बाद है एमपी, उसके बाद है मणिपुर, ठीक है, और त्रिपुरा में भी शासन है बीजेपी का, यूपी में भी तो शासन है बीजेपी का, ठीक है, उत्तराखंड में भी बीजेपी का शासन है। तो इन सब जगहों पे बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही है। अब कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जहाँ पे बीजेपी दूसरों के साथ कोलेब्रेशन में कर रही है, जैसे बिहार हुआ, यहाँ पे वो मेजर पार्टी नहीं है लेकिन दूसरों के साथ मिलकर शासन कर रही है। इसी तरह से गोवा है, ठीक है, मिजोरम है, नागालैंड है, यहाँ पे भी उसका शासन है लेकिन दूसरों के साथ मिलकर। और इन सारे राज्यों में जितना नाम अभी मैंने बताया, इन सारे राज्यों में जो मेन पार्टी है वो बीजेपी है, सत्ता उसके हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एमपी आ गया, कर्नाटक आ गया, गुजरात आ गया, ये तीनों आ गया जहाँ पे बीजेपी का शासन है, तो राजस्थान में बीजेपी का शासन अभी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोदी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, मोदी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, यह बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी, कब हुई थी, 1920 में, ठीक है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, और अब यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है, इन चारों में से आपको उस उपन्यास का नाम बताना है जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, तो यह है रंगभूमि, रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। देखो बहुत सारे प्रेमचंद के उपन्यास हैं जो बहुत ही फेमस हैं, आपको याद रहना चाहिए, जैसे रंगभूमि हो गया, गोदान हो गया, गबन हो गया, ठीक है, कायाकल्प हो गया, और प्रेमाश्रय हो गया, ये सारे उपन्यास जो है बहुत ही फेमस हैं प्रेमचंद के और हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, उसके बाद ये कमायनी जो है ये किसका है, तो जयशंकर प्रसाद ने ये लिखा है। ठीक है, मैला आंचल ये किसका है, ये फणीश्वर नाथ रेणु का आकृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति वानभट्ट की है, इन चारों में से आपको बताना है वानभट्ट की कृति कौन सी है, तो कौन सी है वानभट्ट की कृति, यह कादंबरी, कादंबरी किसके द्वारा लिखा गया है, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है, अच्छा कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसका जो सीमा है वह तिब्बत से भी मिलता है, नेपाल से भी मिलता है, भूटान से मिलता है और वेस्ट बंगाल से भी मिलता है, तो वह कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है, वह राज्य है सिक्किम, सिक्किम का सीमा इन सभी से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, अच्छा बहुत सारे बच्चों के इसमें कंफ्यूजन होता है, मिलियन में उनको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली में जीरो कितना होता है और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे गलती ना कर लो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आप अभी सीख लो इसको। ठीक है, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन इसमें रहता है, तो जल्दी से आंसर करो क्या होगा, देखो मिलियन जो होता है ना वो हमारा 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है, इसको याद रखना, कितना होता है 10 लाख, तो यहाँ पे आपका ये है 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो यह है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वत्व या गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था, स्वत्व या न्यासिता का गुणधर्म का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था जल्दी बताओ, तो यह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है कहाँ का, तो बहुत ही फेमस है आप सभी जान रहे हो, ये पुरी का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है। ठीक है, पुरी उड़ीसा में स्थित है और यहाँ पे है जगन्नाथ टेम्पल, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वहाँ से ये रथ यात्रा
हर एक साल निकलती है और बहुत ही भव्य रथ यात्रा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रत्यारोपण और गर्भ निरोधक सहित सभी चिकित्सा उपकरणों को डैश के रूप में मानने का निर्णय लिया है। जितने भी गर्भ निरोधक ट्रीटमेंट हैं, ठीक है, या जितने भी प्रत्यारोपण वाले ट्रीटमेंट हैं, इन सभी को किस रूप में मानने का फैसला किया है? तो इन सभी को अब ड्रग्स के रूप में माना जाएगा। किस रूप में? ड्रग्स के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन हुआ, बांग्लादेश का सृजन हुआ कब? जल्दी बताओ, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का सृजन 1971 में हुआ था। ये मैंने आपको बहुत ही पहले से और बहुत ही आसान तरीके में समझाया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया गया था? राष्ट्रीय जल सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय जल सम्मेलन अभी हाल ही में भोपाल में आयोजित हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सीडीएससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सीडीएससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अभी जो फुल फॉर्म है और मुख्यालय है, इससे आपके क्वेश्चंस रहने के चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचना यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सीडीएससीओ का मुख्यालय जिसे मैंने पूछा है, और उसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले मुख्यालय बताओ कहाँ है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और सीडीएससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और अभी ये बहुत चर्चा में भी है। अगला क्वेश्चन हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? ये स्थित है रांची में। कहाँ स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे कौन माना जाता है? शहरी क्षेत्रों में आपको ध्यान देना है, शहरी क्षेत्रों में या गरीबी क्षेत्रों में, सॉरी ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ पूछा जा रहा है? तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है अगर उनका दैनिक खपत 2100 कैलोरी से कम हो तो, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है अगर उनका दैनिक खपत 2400 कैलोरी से कम हो। अगला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी को फ्रेंच क्रांति का सॉरी महान योद्धा कौन था? 1789 ईस्वी के फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा का आपको नाम बताना है। कौन था वो महान योद्धा? कौन था? तो वो था नेपोलियन बोनापार्ट। आप सभी जानते हो जो फ्रेंच क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके जो महान नेता थे वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। अगला क्वेश्चन है, द थिन माइंड मैप बुक, द थिन माइंड मैप बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? द थिन माइंड मैप बुक ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है धर्मेंद्र राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो इन चारों में से आपको बताना है भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला कौन था। तो कौन था भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला? ये थे अरब, जिन्होंने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईएसपीएन क्रिक इन्फो, यानी खेल समाचार का एक वेबसाइट है, इसने वार्षिक ईएसपीएन क्रिक इन्फो पुरस्कार 2019 के 13वें संस्करण की घोषणा की। कैप्टन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा कैप्टन ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया? किसको किया गया? ये किया गया इयॉन मॉर्गन, इंग्लैंड के प्लेयर है इयॉन मॉर्गन, वहां के कैप्टन है, इनको कैप्टन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, ठीक है, ESPN क्रिक इन्फो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो आसान सा क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसे लिखा है?
दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, और किस भाषा में लिखा गया है, तो ये हिंदी भाषा का बुक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो गांधी जी ने बेलगांव में हुए अधिवेशन का अध्यक्षता किया था और ये हुआ था 1924 में, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन ये गांव का अधिवेशन नहीं था, ठीक है। बेलगांव के नाम से लोगों को लगता है ये गांव का अधिवेशन था, पर ये गांव का अधिवेशन नहीं था, गांव का अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है सौरभ घोषाल के द्वारा। किसके द्वारा? सौरभ घोषाल के द्वारा ये खिताब जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, उस शहर का नाम बताइए जहां अगले 5 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया जाना है, किस शहर में, आपको ये बताना है। तो ये शहर है मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 किस राज्य में प्रदान किए गए? 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 किस राज्य में प्रदान किया गया था? तो किस राज्य में प्रदान किया गया था, तो ये है असम, जहाँ पे इसका आयोजन इस वर्ष हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 65वें अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता? तो जो अभी अमेजन में, सॉरी, असम में आयोजित हुआ था, उस फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? किसने जीता था? ये जीता गया था गली बॉय के द्वारा, किसमें? तो अमेजन फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का खिताब। अगला क्वेश्चन है, महिला वर्ग में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती? तो पुरुष का भी ऊपर आपने देखा, अब बताओ महिला में किसने जीता था, किसके द्वारा? तो जोसन चिनप्पा के द्वारा महिला वर्ग में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता गया। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन पर किसके जीवन से प्रभावित है? एक मूवी है ब्लैक, ठीक है, आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन और रोनी मुखर्जी का मूवी है, आपको ये बताना है किसके जीवन से प्रभावित है ये, किसके जीवन से प्रभावित है, किसके जीवन से? हेलेन केलर के जीवन से ये प्रभावित है, किसके जीवन से? हेलेन केलर के जीवन से। और इस मूवी के, ब्लैक मूवी के डायरेक्टर कौन थे? संजय लीला, ठीक है, भंसाली, ये थे डायरेक्टर। और ये एक तरह का आप बोल सकते हो, हेलेन केलर जो है ये अमेरिकन फिल्म था, ठीक है, अमेरिका में जो फिल्म है उसका नाम है द मिरेकल वर्कर, ठीक है, क्या नाम है? द मिरेकल वर्कर, उस मूवी पर बेस्ड बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है वो कौन सा देश है? वह देश है इंडोनेशिया, जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है, अब बताओ दीपावली प्रकाश का त्योहार किसका निर्वाण का दिन है? किसका निर्वाण का दिन है? इसको प्रकाशोत्सव के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये जल्दी बताओ, आप लोगों को आता है तो, किसका है? तो ये भगवान महावीर का प्रकाशोत्सव है या निर्वाण का दिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुडको क्या है? हुडको क्या है, जल्दी बताओ, हुडको क्या है? तो हुडको एक तरह का गृह एवं शहरी विकास निगम, ठीक है। हुडको का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो फिर ये क्वेश्चन बेहद आसान है। हुडको का फुल फॉर्म क्या आता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, क्या होता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? आसान सा क्वेश्चन है, कौन सी है वो? वो है अरावली पर्वत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता? जल्दी बताओ, बेस्ट एक्टर जो क्रिटिक के द्वारा दिया गया ये अवार्ड
किसने जीता, किसने जीता, तो ये अवार्ड जीता गया था आयुष्मान खुराना के द्वारा। अनुच्छेद 15 मूवी के लिए आयुष्मान खुराना को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल ने लगातार 10 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री हैं, और आपको ये बताना है कितनवीं बार इन्होंने ये शपथ ली है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर बैठते हैं, वो लोग मारते हैं दूसरी बार, लेकिन ये है इनका तीसरी बार जब इन्होंने लगातार मुख्यमंत्री का पद संभाला है और शपथ ली है। पहली बार आपको पता होगा इन्होंने जो ये धरना पर बैठे थे, उसके बाद फिर इन्होंने जिद में आके रिजाइन कर दिया था, एक वो हुआ, तो दोबारा फिर से ये इलेक्ट हुए और पूर्ण बहुमत से इलेक्ट हुए थे दोबारा फिर से, तो दूसरा बार हो गया, और इस बार जो जीते ये तीसरा बार हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है ये स्थित है शिमला में, कहाँ स्थित है शिमला में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था, ये आपको बताना है, कौन था वो प्रथम वैज्ञानिक जिसको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, तो ये थे सीवी रमन, कौन थे सीवी रमन थे जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, सीवी रमन का फुल फॉर्म क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, अगर चंद्रशेखर वेंकट रमन पूरा दे दिया जाता है ऑप्शन में तो। अगला क्वेश्चन है, मेरिल लिंच है, मेरिल लिंच क्या है, जल्दी बताओ मेरिल लिंच क्या है, तो मेरिल लिंच यह एक निवेशी बैंक है, क्या है मेरिल लिंच, ये एक तरह का निवेशी बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसने कहा, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट है WGF हीगल्स का, किसका है WGF हीगल्स का, ये स्टेटमेंट है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, और यह आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन है, क्रिकेट में 5 क्रिकेट टेस्ट में, टेस्ट क्रिकेट में आपको ध्यान देना है, 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन थे, कौन थे जल्दी बताओ, तो 5 शतक लगाने वाले थे राहुल द्रविड़। ठीक है, ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। अगला क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है, तो सूरत शहर है नर्मदा नदी पर या ताप्ती नदी पर, तो ताप्ती नदी पर, कैसे याद रहेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, तो आपको याद रखना है अगर सूरत आपसे पूछा जाए तो तप जाएगा तो आपका सूरत खराब हो जाएगा, है ना, जब ज्यादा गर्मी में आप जाते हो तो आपका सूरत क्या होता है खराब हो जाता है, सन टैन हो जाता है। ठीक है, तो क्या है तप, तपती, तप जाएगा तो सूरत खराब हो जाएगा, याद रखना, याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जापान की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी क्या है, तो जापान की करेंसी है येन। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ, जापान की राजधानी है टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है किनके बीच में, 100 ईयर्स वॉर, तो इतिहास का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई रहा है और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, बताओ किनके बीच ये लड़ाई था, ये लड़ाई था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, लगभग 1337 में इसकी शुरुआत हुई और ये लगभग 1453 ईस्वी तक चला था, तो आप देख रहे हो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा ये युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगला क्वेश्चन है, इसराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है, इसराइल की संसद किस नाम से जाने जाती है, तो इसराइल की संसद को हम लोग जानते हैं निसेट के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का डैश जोन ऊर्जा तटस्थ यानी एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन जोनल बन गया है या जोन बन गया है, तो कौन सा वो रेलवे का जोन है, कौन सा जोन है, वह आपका दक्षिण मध्य रेलवे
जो न्यूट्रल एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? इन चारों में से आपको बताना है नेशनल हॉलीडे किस दिन नहीं होता है। देखो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, ये तीन ही नेशनल हॉलीडे हैं और रेस्ट जो भी है ये नेशनल हॉलीडे की गिनती में नहीं आता, ये ओकेशनल हॉलीडे है, ठीक है। और 25 दिसंबर, अब 25 दिसंबर को भी छुट्टी की घोषणा की गई है, ठीक है, लेकिन ये नेशनल हॉलीडे नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मेक्सिको की खाड़ी है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, क्लियर है। और इसके अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तो ये लगभग, ठीक है, लगभग 6,15,000 किलोमीटर² में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था किसने? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र हिक्की के द्वारा, जे हिक्की के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1780 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर समिति का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से लिंक करो, बद्रीनाथ केदारनाथ किस राज्य से संबंधित हो सकते हैं? ये उत्तराखंड से संबंधित हो सकते हैं, इन्हीं के द्वारा एक वेब पोर्टल जारी किया गया है इनसे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, डैश के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम कर दिया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ये स्थित है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2019 किस देश की है? मिस वर्ल्ड 2019 किस देश की है? ये किस देश की है? ये है जमैका की। कहाँ की है मिस वर्ल्ड 2019? जमैका की। क्या नाम है इनका? इनका नाम है टोनी एम सिंह, ठीक है, टोनी एम सिंह है अभी मिस वर्ल्ड, ठीक है, 2019 की मिस वर्ल्ड ये चुनी गई थी। और ये किस देश की है? जमैका की है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। और किसने बनाया है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो रॉक गार्डन नेक चंद के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इसको नेक चंद गार्डन भी, नेक चंद गार्डन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाला फेंक खिलाड़ी पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? एक भाला फेंक खिलाड़ी है जिस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, वो कौन खिलाड़ी है? वो है अमित दहिया, ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये हैं हरियाणा के। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? क्या था इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम था बिंदुसार, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बिंबिसार से कंफ्यूज करते हैं, बिंबिसार और बिंदुसार में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। बिंदुसार अशोक के पिता थे, मौर्य वंश के राजा थे, और बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे, तो इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिया हुआ है और दोनों को मैच करना है, ठीक है, तो चलो मैच करो जल्दी जल्दी, क्या होगा आपका सही आंसर। तो सबसे पहला देखो क्या है, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था। उसके बाद वार्षिक योजना यानी एनुअल प्लान, ये कब से कब तक था जल्दी बताओ, एनुअल प्लान। तो देखो जो प्लान हॉलीडे था ना, ठीक है, जिसको हम लोग योजना अवकाश बोलते हैं, तो उसी को हम लोग एनुअल प्लान के नाम से भी जानते हैं या वार्षिक योजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चतुर्थ वर्ष पंचवर्षीय योजना ये था 69 से 74, ठीक है, ये था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद जो आपका अवकाश है वो हुआ था, ठीक है, 66 से 69 तक। रोलिंग प्लान ये था 78 से 79 या 78 से कहीं कहीं 80 भी लिखा रहेगा, और 80 से आपका फिर जो दूसरा प्लान है वो चालू हुआ था, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? यह शक संवत पर आधारित है। अब ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है इसका भी नाम आप जान रहे हो, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर से संबंध किसका है जल्दी बताओ। तो देखो हमारे यहाँ पे ग्रिगोरियन कैलेंडर जो इंग्लिश वाला कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर पे संबंधित है, और इसके हिसाब से भी हम लोग चलते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है।
लेकिन हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इसको हम लोग राष्ट्रीय पंचांग भी बोलते हैं, और ये हिंदी वाला जो आपका पंचांग होता है वो है, और ये सख्त सम्मत पर आधारित है। इसी को हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया है, जिसमें चैत्र जो आपका माह आता है वह सर्वप्रथम यानी पहला मास आता है, ठीक है। और चैत का पहला दिन कब पड़ता है ये भी आपसे पूछा जाता है, जल्दी बताओ। चैत का पहला दिन यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से चैत का पहला दिन कब पड़ता है, ये लगभग आपका 21-22 मार्च को पड़ता है, 21-22 मार्च को, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सख संबंध के आधारित जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है इसको कब अपनाया गया था, ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है, सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना भारतीय भाषा, तो सबसे पुराना भारतीय भाषा है तमिल, कौन सी है, तमिल है सबसे पुराना भारतीय भाषा। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के बाद अब दूसरा सबसे अमीर भारतीय कौन बन गया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के बाद दूसरा सबसे अमीर भारतीय कौन बन गया है, यह है राधा किशन दमानी, ठीक है। राधा किशन दमानी जो है यह दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए, दूसरे सबसे अमीर भारतीय बन गए। और ये कौन है राधा किशन दमानी, तो डी मार्ट आपने नाम सुना होगा, क्या, डी मार्ट, ठीक है। और ये जो डी मार्ट है इसको हम लोग एवेन्यू सुपर मार्केट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और डी मार्ट के नाम से ये मार्केट में फेमस है, ठीक है। तो ये जो रिटेलर एवेन्यू सुपर मार्ट है, ठीक है, इसके संस्थापक हैं राधा कृष्ण दमानी, और ये हैं दूसरे सबसे अमीर भारतीय। अगला क्वेश्चन है, गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है, गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है, ये ओडिशा का एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, 2017 में आयोजित राष्ट्रीय चुनाव में पराजित उम्मीदवार थे, अच्छा राष्ट्रपति चुनाव जो 2017 में हुआ था उसमें पराजित उम्मीदवार कौन थे, ये थे मीरा कुमार, ठीक है, ये 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में हारी थी, ठीक है, और ये बिहार से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अभी है सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गो एयर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, गो एयर के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, कौन नियुक्त हुआ है, ये है विनय दुबे, जिनको गो एयर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्यार का पौधा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा प्यार का पौधा एक अभियान है जो शुरू किया गया है, तो ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है प्यार का पौधा अभियान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है, समाचार पत्रों की जो संख्या है प्रसार संख्या है उसका प्रमाणिकता किसके द्वारा दिया जाता है, कौन है वो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रमाणिकता देती है, ठीक है। और एबीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, एबीसी का फुल फॉर्म है ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2019 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, विंबलडन 2019 पुरुष एकल खिताब जीता गया था नोवाक जोकोविच के द्वारा, किसके द्वारा, नोवाक जोकोविच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2019 रमन मैगेसेसे पुरस्कार जीता है, तो आपको पता ही है वो कौन है, वो है रवीश कुमार जो बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इन्होंने 2019 रमन मैगेसेसे पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक कौन है, टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन डैश में किया गया था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 आयोजन समिति ने आधिकारिक खेलों का ऑफिशियल मोटो जारी किया, टोक्यो ओलंपिक 2020 का नया मोटो क्या है,
टोक्यो ओलंपिक 2020 का नया मोटो क्या है? जल्दी बताओ, नया मोटो क्या है इसका? तो इसका नया मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। क्या है नया मोटो? यूनाइटेड बाय इमोशंस, ठीक है। और आपको याद रखना है, ये अब टोक्यो 2020 नहीं, टोक्यो 2021 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। जब ये रिलीज किया गया था तब टोक्यो 2020 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी आपका कोविड-19 के कारण इसका जो आयोजन था वो स्थगित कर दिया गया, और ये अब 2021 में होगा, ठीक है। इस कोविड-19 के कारण बहुत सारी चीज ऐसे हैं जिसका जो शेड्यूल है वो बदल जाएगा, ठीक है। और लोगों के लाइफ में ये एक साल जो है 2020 का, ये बहुत सारे चेंजेस लाने वाला है और लोगों को बहुत साल पीछे कर देगा ये कोविड-19। अगला क्वेश्चन है, पेलियंटोलॉजी अध्ययन है, पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? मैंने पहले बताया हुआ है, जल्दी बताओ, ये जीवाश्मों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, तो किस पौधे के किस पार्ट से सूती रेशा प्राप्त किया जाता है? तो सूती रेशा जो है यह बीज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, लाल अस्थि मज्जा है और पित्त अस्थि मज्जा है, तो आपको याद रखना है लाल अस्थि मज्जा में जो लाल रेड बोन मैरो है उसमें वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोनेरू हम्पी ने डेस में आयोजित कैंस कप शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो भारत के खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी और इन्होंने अभी कैंस कप शतरंज टूर्नामेंट जीता है। आपको ये बताना है इसका आयोजन स्थल कहाँ था, तो ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये यूएसए में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डेस के नाम पर अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलने का फैसला किया है। तो अंबाला सिटी बस स्टैंड जो था उसका नाम बदल दिया गया है। अब आपको ये बताना है किसके नाम पर उस बस स्टैंड का नाम रखा गया है, ये रखा गया सुषमा स्वराज के नाम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, 3D फिल्म अगर आप देखना चाहते हो तो आपके चश्मे में क्या होना चाहिए, कैसा लेंस होना चाहिए? तो आपके चश्मे में पोलराइड होना चाहिए, आपका चश्मा जो है वो पोलराइड होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? पोलराइड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो डिटर्जेंट के सफाई करने का सिद्धांत जो है वह है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, ठीक है। आपको यहां से याद रखना है कि डिटर्जेंट मिलाने के बाद पानी में उसका पृष्ठ तनाव कम होता है या ज्यादा होता है। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डीप में जाकर पूछा जा सकता है। तो डिटर्जेंट जब आप मिक्स करते हो पानी में, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे पानी जो है उसका पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिसके कारण से गंदगी बाहर निकल जाता है कपड़ों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? इन चारों में से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है इसमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब ये अगर शॉर्ट फॉर्म में रहता तो आप सभी इसको आंसर कर पाते, DVD, ये सभी जानता है ये ऑप्टिकल डिस्क है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD का फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च की है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP, ये योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवैक उदाहरण है, यूनिवैक किस पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? यूनिवैक जो है ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में इसको बनाया गया था, और इसमें दूसरी पीढ़ी में क्या यूज किया गया था? वेकम ट्यूब के जगह, चलिए बताओ किसका यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इन सभी में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल आपका क्या है? ओरेकल सॉफ्टवेयर का एक बोल सकते हो आप ग्रुप है, ठीक है। ओरेकल का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है, तो ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन किस करने वाली युक्ति क्या है? डेसिमल से बाइनरी में
जो संख्या का परिवर्तन होता है ये युक्ति कौन सा है, क्या बोलते हैं इसको, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसको इनकोडर बोला जाता है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्सन जो है वह इनकोडर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कोची केरल में डैश मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इन चारों में से आपको बताना है, एक मोबाइल ऐप है जो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया, केरल के पिनरई विजयन के द्वारा जो वहां के मुख्यमंत्री है, आपको बताना है वो ऐप कौन सा है। वो ऐप है योधव, कौन सा है, योधव ऐप है जिसका लॉन्च जो है वो केरल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है, सबसे अधिक आघात वर्ध धातु जो है यह है सोना। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो मनुष्य किस संघ का प्राणी है, यह कोर्डेटा संघ का प्राणी है। किसका है, कोर्डेटा संघ का प्राणी है मनुष्य। ठीक है, अच्छा अगर मनुष्य के बारे में आपसे पूछा जाए, यहां से तीन चीजें आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले अगर किंगडम पूछा जाएगा तो किंगडम हो जाएगा एनिमेलिया, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं मनुष्य एनिमल है। ठीक है, उसके बाद अगर फाइलम आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से इसको याद रखना, फाइलम अगर पूछा जाएगा जो संघ यहाँ पे पूछा गया है, तो फाइलम हो जाएगा कोर्डेटा, और क्लास अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा ममेलिया। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया, अगर किंगडम पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा एनिमेलिया, फाइलम पूछा जाएगा तो कोर्डेटा, और क्लास पूछा जाएगा तो ममेलिया। ये तीनों को अच्छे से याद रखना, कन्फ्यूज मत करना, अलग अलग चीज में अलग अलग मन डाल देना। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आज का सेशन कंफर्टेबली इजी रहा होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।